बागी दो अपने एक्शन टाइगर श्रॉफ की जबरदस्त फिजिक और दिशा पट्टानी के साथ उनकी केमिस्ट्री की वजह से सुर्खियों में है। अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी उत्सुक हैं। टाइगर ने अपनी पहचान एक शानदार डांसर और बेहतरीन एक्शन परफॉर्मर के तौर पर बना ली है। उनके इस टैलेंट की झलक बेशक इस फिल्म में भी दिखेगी। अहमद खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म 30 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म में रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी और प्रतीक बब्बर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में जब टाइगर और दिशा दिल्ली पहुंचे तो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से खास बातचीत की। पेश है मुख्य अंश। हैरान कर देगा टाइगर का एक क्षण। दिशा पट्टानी फिल्म में दिखाया गया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर किसी वजह से हमारे बीच दूरियां आ जाती है, फिर कुछ ऐसा होता है कि हम करीब आते हैं लेकिन हम साथ नहीं हो सकते, फिर हम कैसे दुनिया से लड़ते हैं और कैसे बागी बनते हैं, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में टाइगर का हैरान कर देने वाला एक्शन है। दरअसल मेरे किरदार को एक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ अलग तरह का एक्शन मैंने किया है जो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। टाइगर के साथ रोमांस करना आसान। टाइगर के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है जिस वजह से वे स्क्रीन पर उनके साथ रोमांस करने में काफी सहज रहीं। टाइगर के साथ रोमांस करना वाकई आसान था। दिशा ने आगे बताया कि किसी को जाने बगैर उसके साथ लव सीन करना मुश्किल होता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म महेश धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में हुआ था। जैकी चैन और टाइगर में है समानता। दिशा से पूछा गया कि जैकी चैन और टाइगर में आपको कोई समानता नजर आती है, तो इस पर दिशा का कहना था कि हाँ, टाइगर और जैकी चैन में बहुत समानताएं हैं। जैकी 56 की उम्र में भी टाइगर जितने जवान लगते हैं, उनमें टाइगर जैसी एनर्जी है और टाइगर की तरह उन्हें भी एक्शन से प्यार है। मजेदार रहा अहमद खान का साथ। अहमद खान मल्टी टैलेंटेड हैं, उन्हें पता है किससे कैसे और पूरे दिन में कितना काम कराना है। उनसे जब पूछते हैं कि ये कैसे करना है तो वो सिर्फ मुझे या टाइगर को ही नहीं, सबको एक्टिंग करके बताते हैं। सेट पर बहुत प्यार से काम लेते हैं। अलग तरह का एक्शन टाइगर श्रॉफ फिल्म में हमने अलग तरह का एक्शन दिखाने की कोशिश की है। इसकी कहानी पहले भाग से एकदम अलग है। मैं फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे अपने बालों का बलिदान भी करना पड़ा। यह एक सस्पेंस थ्रिलर एक्शन और लव स्टोरी वाली फिल्म है। चारों तरफ फिल्म में मेरे एक्शन की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म एक्शन से सजी हुई है, पर इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। फिल्म में मनोज बाजपेयी पुलिस अफसर के रोल में हैं, तो वही रणदीप हुड्डा नेगेटिव किरदार में हैं और प्रतीक बब्बर भी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। खतरनाक और चुनौतीपूर्ण एक्शन। जब टाइगर से पूछा गया कि उन्हें किसी एक्शन सीन को शूट करते वक्त डर लगा, तो उन्होंने बताया कि फिल्म का हर एक्शन खतरनाक है। एक एक एक्शन ऐसा है जिसे देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि इनके पीछे कितनी मेहनत है। हेलीकॉप्टर से कूदने वाला सीन बहुत मुश्किल था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिल्म का अनुभव बहुत डरावना और चुनौती भरा था। बिल्कुल अलग है लुक। शुरुआत में जब मेरे बाल बहुत लंबे थे और मुझे अपनी फिल्म के चलते बाल कटवाने पड़े तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं अपने बालों को लेकर बहुत इमोशनल हूँ। मुझे लगता है एक अभिनेता को अपनी हर फिल्म के किरदार के लिए जरूरत के मुताबिक लुक बदलना उसके काम का हिस्सा होता है। तीसरा भाग भी बनना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सबका इतना प्यार मिल रहा है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि खासकर बच्चे मेरे बहुत फैन हैं। मैं चाहूँगा कि सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। इसके अलावा मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो था जब मेरी फिल्म देखकर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने कहा कि इसका तीसरा भाग भी बनना चाहिए। रियल लाइफ दोस्ती का बहुत फायदा। दिशा के साथ काम करना बहुत आसान था क्योंकि उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा है, इसलिए ऐसे में उनके साथ काम करना, रोमांस करना, इमोशनल सीक्वेंस शूट करना सब आसान था।